हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ब्लॉग का अगला भाग बनाएंगे। पिछले पार्ट वन में हम आप लोगों को इसका पीछे का पल्ला बता चुके थे, अब आज आगे पल्ला बताएंगे। आगे पल्ला में सबसे पहले हम स्टार्टिंग इस जगह से करेंगे, ये चीज़ सबसे पहले हम बनाएंगे। अब ये चीज़ बनाने के लिए आप पीछे पल्ला में यानी कि आप कितना फंदा लेंगे वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि इसमें हम 85 फंदे लिए हुए हैं, तो 85 का बिल्कुल आप हाफ़ कर दें। अगर आप 85 का हाफ करेंगे तो 82+1 आएगा, यानी कि 42.5 होगा, लेकिन हम यहाँ पर 43 फंदे रखेंगे। 43 फंदे हम लेके चलेंगे, तो 43 फंदे में आप 10 यानी ये बॉर्डर के लिए 10 फंदे एक्स्ट्रा ले लें। 43 में 10 फंदे एक्स्ट्रा ले लें और 2 फंदा इधर सिलने के लिए, तो हमारा हो गया 45 हो गया, और उसमें हम 10 यानी 10 हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, तो इतना हम इसमें ले लिए। अब है कि अगर आप बना रही हैं 91 फंदे ली हुई हैं पीछे पल्ला में, तो देखिए 91 फंदे का आप हाफ़ कर लें, जिसमें कि 45 होता है 90 का, 45 × 90 होता है, लेकिन एक हमारा बच जाएगा फंदा, तो हम एक उसमें और एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी 46 फंदे ले लेंगे। 46 फंदे में हम 10 फंदे बॉर्डर के लिए लेंगे और 2 फंदे सिलाई के लिए लेंगे, तो हमारा टोटल हो जाएगा 58 फंदा हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगला भाग में यानी कि इस में हम 85 फंदे से, चूँकि हम यहाँ बना रहे हैं पीछे पल्ला, तो हम इसमें फंदे ले चुके हैं 55। ठीक है, तो 55 लेने के बाद में देखिए हम इस तरह से बनाए हुए हैं, हमें पहले इसी चीज़ को बनाना होगा। ये आप ध्यान दें, यहाँ पर कम है और इधर से जाते हुए यहाँ पर बढ़ जाता है, जैसे जैसा कि ब्लाउज का कटिंग में होता है उसी तरह है। जैसे हम यहाँ से यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ लिए, अब देखिए ये चीज़ आगे की ओर है और ये इसी जगह पर ख़त्म है, तो हमें इस तरह से बुनना है, इस तरह से हमें बुनना है, जो कि ब्लाउज में हम सिंपल ब्लाउज का कटिंग जैसे करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर बुनना है। और बुनने के बाद में इसे हमें उतार लेना है, किसी भी सिफ्टी पिन या किसी भी चीज़ में इसे उतार ले, इस फंदे को बंद नहीं करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ 55 फंदे ले चुके हैं। देखिए 55 फंदे लेने के बाद में, 55 फंदे लेने के बाद में आप बॉर्डर बना लें। जितना बॉर्डर आप पीछे पल्ला में दी हुई हैं उतना ही बॉर्डर का लाइन लें, और ये बना लेने के बाद में आप ये चीज़ 10 बॉर्डर के लिए हम छोड़ देंगे, 10 फंदा यहाँ 10 फंदा बॉर्डर के लिए हम छोड़ दिए हैं, बाकी बाद हम पूरा प्लेन बुन चुके हैं। तो बॉर्डर के बाद से 12 सिलाई हम प्लेन बुन चुके हैं। ठीक है, 12 सिलाई प्लेन बुनने के बाद में अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप जब दोनों बना रही हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगी कि एक आपका बॉर्डर इधर आना चाहिए तो एक बॉर्डर आपका इधर आना चाहिए। ठीक है, दोनों अगल बगल में होना चाहिए ताकि हम इस तरह से इसे लगा सकें। तो बॉर्डर हम इतना बुन लेने के बाद में 12 सिलाई हम बुन चुके हैं इसमें। अब हमें इसमें आगे बुनना है, यानी अभी बिल्कुल ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, इसे हमें कुछ ऊंचा इस तरह से करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर तो हमारा जैसा है उसी तरह हम बुन लेंगे बॉर्डर। 10 फंदे का बॉर्डर है, फंदे को नीचे करेंगे और हम इस जगह पर, इस जगह पर हम 20 फंदे छोड़कर बाकी बात को हम बुन लेंगे। अब हम इधर गिन लेते हैं, 20 फंदा हमें छोड़ना है, ये रहा 5, 10, 15 और 20, ये 20 फंदा, ये 20 फंदा हो गया। इसे हमें इस बार नहीं बुनना है, छोड़ देना है, हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में पहला फंदा उतार लेंगे और फिर हम
ये पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से तो बॉर्डर में भी हमें पूरा उल्टा बुनना है, इसलिए हम इसे उल्टा बुन लेंगे। ये बुन लेने के बाद में देखिए, अब हमें पहले सबसे पहले हम 20 फंदे को यहाँ छोड़ चुके हैं, अब इस बार हमें 10 फंदे को छोड़ लेना है। ठीक है, तो हम बुनते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक जैसे आ जाता है, तो यहाँ फंदे को इस तरह उतार ले, फंदे को नीचे कर ले, हमें 10 छोड़ना है। ये 5 और 5 10, 10 फंदे हम छोड़ दिए। अब फिर हम इसे पलट लेंगे, इस तरह से पलटने के बाद एक फंदा उतार लेंगे और हम इस तरह से बुनेंगे, पूरा उल्टा बुन देंगे हम। ये पूरा उल्टा बुनने के बाद में फिर हम पलट लिए। अब शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 20 फंदे छोड़े थे, अब 10 छोड़े हैं, अब हम 5 छोड़ेंगे। बॉर्डर को सबसे पहले हम बुन लेंगे। अब हमें 5 छोड़ना है। ये हम 5 छोड़ देंगे, 3 2 5। अब फिर इसे हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ 20 फंदे छोड़े, यहाँ 10 छोड़े, यहाँ 5 छोड़े। अब हम पलट कर पूरा बुन लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, इसके बाद इसे हम बुन लेंगे। अब हम देख लेते हैं एक बार, फिर से 5 छोड़े हैं, हाँ फिर से, और हम एक बार और बुनेंगे हम। फिर हम 5 छोड़ देंगे, 3 2 5। पलट लेंगे, पहला फंदा उतार कर अगला हम पूरा उल्टा बुन देंगे। अब इस बार हमें पूरा सिलाई बुनना है, जितना भी फंदा है हम टोटल बुन लेंगे। जितना भी हम बीच बीच में छोड़े थे सबों को हम बुनते चले जाएंगे।
ये सिलाई कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब आप खुद देख सकती हैं ये जगह कम चौड़ा लग रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो शेप में अंतर आ जाता है इस तरह से। अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में जितना भी फंदा है सबों को हम गिरा देंगे, सिर्फ हम बॉर्डर को छोड़ देंगे, यानी गिरा देंगे यानी कि हम बंद कर देंगे। अब आप इसे अपने अनुसार ले सकते हैं। आप सिंपल ब्लाउज जो है, सूती ब्लाउज जो भी है, उसे आप देख ले यहाँ कितना है, उस अनुसार आप ज़्यादा 12 सिलाई से आप ज़्यादा भी बुन सकती हैं, ये आपके ब्लाउज के नाप पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम सारे फंदे को गिरा देंगे। सिर्फ बॉर्डर का फंदा जो हमारा बच जाएगा उसे हम किसी भी सेफ्टी पिन वगैरह में उतार कर रख लेंगे। अब 10 गिन लेंगे हम, 5, एक ज़्यादा गिर गया है इसे हम उठा लेंगे ये इस तरह से इसे हम ले लिए, ये हो गया। ये एक बार हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से ये चीज़ आपका तैयार हो गया। ये दो भाग में बना लें, दोनों को ध्यान दें, एक इधर होना चाहिए बॉर्डर, एक इधर होना चाहिए बॉर्डर। इस तरह से हम दो पल्ला इसका बना लेंगे। इसके बाद अब हम अगला भाग देखेंगे, ब्लाउज का इस भाग को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए अगर आपको नाप सही नहीं उतर रहा है आपसे, तो सबसे अच्छा तरीका देखिए ये है। आप कोई भी सिंपल ब्लाउज जो आप पहनती हैं, वो सिंपल ब्लाउज कपड़े का ब्लाउज को आप रख लें। रखने के बाद में इस चीज़ को आप नाप लें। देखिए, जैसे कि बुना हुआ बॉर्डर है या पीछे का पल्ला है, कुछ भी अगर बुना हुआ है इस तरह का, तो आप उसे रख लें। रखने के बाद इस तरह से आप नाप लें। देखिए, इस तरह से नाप लें। अब ये नाप हो गया, अब इतना ही से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। इतना ही फंदे से आप इसे स्टार्ट कर दें। ये नापने का एक सरल तरीका हुआ। ऐसे हम आपको बता दें कि यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे और यहाँ लाकर हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने में 34 और 36 नंबर में हम 21 फंदा लेंगे, 21 फंदा से स्टार्ट करेंगे। 30 और 32 नंबर में हम 17 फंदे से स्टार्ट करेंगे। 38 और 40 में हम 23 फंदा से स्टार्ट करेंगे। तो हम चूँकि 34 नंबर का बना रहे हैं, इसलिए हम इसे 21 फंदे से स्टार्ट करेंगे। 21 फंदे ले लेने के बाद में हम यहाँ पर ले चुके हैं। 21 फंदा लेने के बाद में हम इसमें 4 सिलाई सीधा और उल्टा का बुन चुके हैं, ठीक है। अब हम 4 सिलाई बुनने के बाद में अब हम 2-3 सिलाई पर एक एक
फंदा बिल्कुल इस तरफ से एक एक फंदा हम बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि हमें जब इधर का भाग बनाना है तो हम इधर घर को इस तरफ से फंदे को हम बढ़ाएंगे। 21 फंदे लेने के बाद हम इस तरफ से फंदे को बढ़ाएंगे, जो कि हम 2-3 सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और सिर्फ अभी इस तरफ ही हमें बढ़ाना है, इधर अभी हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। ये जब हमारा ये लगभग आप नाप लें, यानी कि बुनते हुए ही आप इसे इस तरह से रख कर जब बुन लेंगी तो इस तरह से रख कर आप नाप ले, हो गया आपका अगर ये लंबाई कंप्लीट हो गया है तो आप फिर घटाना शुरू कर दें। लेकिन इसमें 34 और 36 नंबर का बनाने में इसमें आपको 32 सिलाई बिनना है, जिसमें कि हम 4 सिलाई बिन चुके हैं। अब हम देखिए ये चीज़ बना रहे हैं तो हमें इस तरफ से घर बढ़ाना है, यानी इस तरफ से हमें फंदे बढ़ाना है। और जब हम इधर का भाग बनाएंगे तो हमें इस तरफ से फंदे को बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए ये 4 सिलाई बुन चुके हैं, अब हम यहाँ पर फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से। एक हम उतार लिए और दूसरा से एक फंदे इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। इस वक्त हम एक बढ़ाए हैं, अब फिर जब हम तीसरा सिलाई में आएंगे तो फिर हम एक बढ़ाएंगे। इस तरह से हम 32 सिलाई को बिनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 5वां सिलाई जा रहा है। ये पहला पढ़ाने के बाद का पहला है, यानी कि हमारा 5वां लाइन है। ये हो गया 6ठा लाइन। फिर हम बुनेंगे 7वां लाइन। बुनेंगे जिसमें कि हमारा इस बार जब हम उल्टा तरफ से आएंगे तो हमें फंदे बढ़ाने हैं। तीसरा लाइन पर हम फंदे बढ़ाएंगे, कभी तीसरा पे कभी चौथा पे, इस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए अब इस बार हमें फंदा बढ़ा लेना है, चाहे तो आप उल्टा तरफ से बढ़ाएं, चाहे तो आप सीधा तरफ से बढ़ाएं। देखिए अगर हम उल्टा तरफ से बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक बुन लिए, फंदे को नीचे करेंगे और फिर दूसरा हम बुन लिए, फिर उल्टा प्लेन बुन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा लाइन में ही 2 फंदा बढ़ गया। इस तरह से हमें बढ़ाते हुए 32 लाइन कंप्लीट करना है। तो बढ़ाते हुए आप 32 लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लें। 32 लाइन सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम बाँह की घटाई करते हुए में इधर हमें किस तरह से बढ़ाना और घटाना है ये हम जानेंगे। ये देखिए ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, 32 लाइन हम बुन चुके हैं। 32 लाइन बुनने के बाद में हमारे पास फंदे कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 27 फंदे हैं। अगर इसमें 28 या 29 फंदा हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होने पर फिर यहाँ पर जब आप घटाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम ये बिन लेने के बाद में अब हम यहाँ से बाँह की घटाई करेंगे, 5, 3, 2, 1, ठीक है। इस तरफ हमारा चलेगा 5, 3, 2, 1 करते हुए हम बुनते चले जाएंगे। अब देखिए एक हमें कितनी बार यहाँ घटाना है, देखिए जैसे कि 5, 3, 2, 1 ये तो हम घटा लिए 5, 3, 2, 1। इसके बाद फिर हमें 1, 1, 1, 1, 1, 1 यानी कि टोटल एक रहेगा 7 बार, 5, 3, 2 उसके बाद 7 बार 1, 1, 1 करके हम घटाते हुए चले जाएंगे। अब जब हम इधर से 5, 3, 2, 1 घटाना शुरू करेंगे तो इधर से हमारा
यहाँ से ठीक इसके सिधाई से हमारा एक 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 बढ़ता चला जाएगा, एक बीच करके, एक लाइन बीच करके हमारा एक 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 करके बढ़ता चला जाएगा। यानी कि बढ़ता हुआ यहाँ तक आएगा, जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ध्यान देना है कि यहाँ हमें 14 फंदे हम पीछे पल्ला का यहाँ पर हम घटाए हुए थे, 14 फंदा था हमारे पास, तो यहाँ भी 14 होना चाहिए। यानी जब यहाँ 14 होना चाहिए तो आपका यहाँ पर फंदा होना चाहिए 17, ठीक है, यहाँ पर 17 होना चाहिए फंदा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा ये बाँह तरफ का है, तो यहाँ हम पाँच फंदा सबसे पहले गिराएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब फंदे को अपनी ओर करके हम लाइन कंप्लीट करते हैं। ये हो गया, अब हम सीधे तरफ से आएँ तो अब हमें इस तरफ एक एक बढ़ाते जाना है, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा। एक हम बढ़ा लिए, अब इस बार तीन घटेगा, अब इस बार हम तीन घटाएंगे, पांच घटा चुके हैं, एक दो और ये रहा तीन, फिर हम बूनेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ फंदा कितना है, इसे भी हमें गिनते रहना है, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, इतना फंदा तो हमें रखना है जो कि एकदम ऊपर तक चला जाएगा, 15 16 17 18 19 और एक 20। चूँकि हम इस बार बढ़ाए हुए थे तो हमें एक बीच करके बढ़ाना है, तो एक हम प्लेन बुनते हैं। अब इस बार हमें दो घटाना है, पाँच तीन हो चुका है, दो घटाएंगे। पाँच तीन के बाद दो, ये रहा एक और ये रहा दो। अब यहाँ हम बुन लेंगे, ये हो गया। अब इस बार हमें बढ़ाना है इधर एक, हम एक हम दो बुनने के बाद में हम बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह, ठीक है। अब हमें इसे हम बुन लेंगे, यानी एक बीच करते हुए हमें इस तरफ बढ़ाना है। अब हम इधर पाँच तीन दो हो गया, अब एक एक करते हुए हमें सात बार इस तरह एक एक घटाना है। ये एक हो गया, ये एक बार हुआ है, अब हम इस बार तो इधर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें एक बीच करना है, तो इस बार हम बिना बढ़ाए हुए बुन लेंगे।
अब फिर हमें इधर से एक घटाना है, इधर से फिर हम एक घटा लेते हैं, यानी कि और हमें ये दो बार एक हम घटा चुके हैं और पांच बार हमें घटाना है। तो इस तरह से हम बुनते हुए ये घटा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप इस बार जब आएंगी यहाँ तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, एक यहाँ से बढ़ाइएगा, ज़्यादा इधर से नहीं बढ़ाइएगा, एक के बाद दूसरे ही फंदे से बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। जब ऐसा ज़रूरत हो, जब लगे कि ये काफ़ी झुकाव की ओर जा रहा है, तब आप एक दो के बाद से एक बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पाँच दो हो गया और पाँच हम एक एक करके बढ़ाएंगे और इधर हम एक बीच करते हुए हमेशा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो जब तक ये एक एक यानी कंप्लीट, यानी कि पाँच फंदे और हम इधर से घटा लेते हैं, तब तक हम बुनेंगे। अब देखिए ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक एक करते हम यहाँ तक घटाते हुए चले गए और इधर से बढ़ाते हुए चले गए एक बीच करते हुए। तो हमारा यहाँ पर फंदा बच गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। चौदह के बाद अभी हमें और छः लाइन बुनना है। तो छः लाइन बुनने के लिए, छः लाइन बुनने में हम यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि एक इस बार बढ़ गया एक, तो हमारा हो गया फंदा पंद्रह, ठीक है। अब हमें बाह तरफ से बिल्कुल कुछ भी नहीं घटाना है, बाह तरफ अब बिल्कुल प्लेन बुनेंगे हम, जो हमें बढ़ाना घटाना है सो गले की तरफ ही घटाना बढ़ाना है। अब उल्टा तरफ से पूरा प्लेन बुन देंगे। ये दो लाइन कंप्लीट हो गया, हमारे पास पंद्रह फंदा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम करते हुए सिर्फ इस तरफ बढ़ाएंगे, बढ़ाते हुए हम इसे, और कितना लाइन में हम बुन लेंगे बताते हैं आप। यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि हमारे पास एक दो तीन और हम पांच लाइन बुन लेंगे इसे, और पांच लाइन इसे हम बुन लेंगे। तो अभी हमारे पास है पंद्रह फंदा बच गया यहाँ पर और पांच लाइन हम बुनेंगे। इस दौरान हम दो फंदा और बढ़ा लेंगे, सिर्फ इधर इधर हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से अब यहाँ तक हम बुन चुके, यहाँ से घटाने के बाद में हम यहाँ तक बुन चुके। अब हमें यहाँ पर हमारे पास फंदा है सत्रह, टोटल सत्रह फंदा हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो सत्रह हो चुका है, अब यहाँ से हमें एक एक करके तीन फंदा घटाना है। ये गले तरफ का है, इस जगह का है, तो यहाँ से हम एक एक करके घटाएंगे, बिल्कुल इस तरह एक। अब हम पूरा बुन लेंगे, यानी कि तीन बार में घटेगा। फिर उल्टा से उल्टा बुनेंगे, यानी कि 16 फंदा हमारे पास बच गया है। अब इस बार एक कम करेंगे तो 15 बचेगा, फिर एक बार कम करेंगे तो 14 फंदा बच जाएगा। अब हम फिर एक कम कर देंगे, एक कम हो गया, इसी तरह से तो हम इस तरह से देखिए ये गले का के पास यहाँ का चीज है ये, ठीक है। तो एक कम किए हम, इस बार फिर उल्टा बुनेंगे, फिर एक कम कर देंगे तो एक तीन कम हो गया। अब तीन कम होने के बाद 14 फंदा हमारे पास बच जाएगा। जब 14 फंदा बच जाएगा तो बिल्कुल प्लेन आप लंबाई यहाँ से यहाँ तक बुन लें। अगर आप कहेंगी कि यहाँ कितना सिलाई में कंप्लीट हुआ है तो हम ये भी बता दें आपको। यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, ऐसे आप नाप लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
34 लाइन आप उसके बाद बुन ले पूरा, यानी कि यहाँ एक एक घटाने के बाद में ये एक और घटा लेंगी, उसके बाद एक सॉरी यहीं से बिल्कुल घटाते हुए से आप 34 लाइन बुन ले, यानी कि हम बुन चुके हैं अभी, 4 लाइन हुआ हमारा, 1 2 3 एक इधर से बुन लेंगे हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें 34 लाइन और ऊपर तक बुनना है जिसमें कि 3 फंदे को हमें घटाना है। तो ये कंप्लीट कर लेंगी तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ये चीज़, तो अब हम इसे बनाएंगे। पार्ट बुन लेने के बाद में यहाँ का ये दोनों, ये एक और एक, दो दोनों बुन लेने के बाद में अब हम इसे बुनेंगे। इसे बुनने के लिए सबसे पहले हम 35 फंदा ले लेंगे सिलाई पर, ये 35 फंदा ले चुके हैं, अब इसमें हम 17 फंदे को बुनेंगे। सीधा बुनेंगे, ये 17 फंदा हम बुन चुके हैं। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए हम इसे बुन लेंगे इस तरह, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक और जाली बनाएंगे। ये जाली हमारा इस जगह का बीच का जा रहा है, हम दोनों तरफ से जाली बनाएंगे, बाकी बचे हुए फंदे इसे हम प्लेन बुन लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा, इस तरह से हमारे पास प्रत्येक सिलाई में दो दो यानी एक सिलाई बीच करके दो फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब जब हम सीधे तरफ आएंगे तो देखिए सीधे तरफ में हमें हम इस तरफ का बुन रहे हैं, इस तरफ का बुन रहे हैं तो इस साइड में यहाँ पर हम जो ये फंदा यहाँ एक इधर बढ़ा रहे हैं एक इधर बढ़ा रहे हैं, तो इधर जो फंदा बढ़ रहा है इसे हम नहीं कम करेंगे, लेकिन हमारा जो इधर फंदा बढ़ रहा है उसे हम इस जगह पर कम करते जाएंगे। अगर हम कम नहीं करेंगे तो इसका चौड़ाई ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस जगह पर कम करते चले जाएंगे। तो चूँकि हम इस तरफ का बुन रहे हैं इसलिए यहाँ से बिल्कुल प्लेन बुनते हुए हम एक जाली दो जाली दो जाली बुन लेंगे, फिर सीधा तरफ से जब हम सबसे पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं। इसके लिए देखिए ये हम जाली हमें प्रत्येक बार में बनाते चले जाना है, ये जाली अब हम बुन लेंगे, जाली फंदे को अपनी ओर करके एक जाली, फिर फंदे को अपनी ओर करके दूसरा जाली, और फिर अब हम आगे बुनते हैं। जब हमारे पास 4 या 5 फंदे बच जाएंगे तब हम बुनना छोड़ेंगे, जैसे कि दो फंदे और बुन लेते हैं, एक और एक दो।
अब देखिए, अब हमें इधर का जाली को कम करना है, यानी इधर यहाँ पर हमें फंदा कम करना है। तो कम करने के लिए हम दो फंदे छोड़कर, दो पहले, चार है हमारे पास, एक दो तीन चार, अब ये दो को हम कम करेंगे। चाहे आप इधर से इस तरह से लें, इस तरह से यहाँ कम कर लें, और इसे हम दो प्लेन बुन लेंगे। प्लेन बुन लिए, अब हम फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा, उल्टा तरफ से हमें प्रत्येक बार पूरा उल्टा बुनते चले जाना है। अब हम जब सीधा तरफ आए हैं तो हमें फिर से जाली बुनना है। एक फंदा उतारेंगे और जाली हम जहाँ जहाँ जाली है वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर जाली बुनेंगे। फिर जब लास्ट में आएंगे तो हमें उसी तरह दो घर का, यानी दो फंदों का एक करना है। ये जाली के पास पहुंच गए। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली। अब हम फिर बुनेंगे, एक दो, इस तरफ में फंदे हमें बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम प्रत्येक बार में फंदे को जब हम इधर से बढ़ाते हैं तो हम इसी तरफ दूसरी, यानी कि दूसरी छोर पर हम घटा भी देते हैं। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, तो आपका ये जाली बुनना है आपको 10। अभी हुआ है एक दो और ये तीसरा जा रहा है। 10 जाली जब हम बुन लेंगे तो फिर हम यहाँ पर कुछ फंदे को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 जाली बुन लेते हैं। यहाँ पर 10 जाली हो चुका है। 10 जाली हो जाने के बाद में अब हमें इधर से कुछ फंदे को कम बुनना है। तो हम सबसे पहले ये जो जाली बना रहे हैं इसे बना लेंगे। अब हमें यहाँ चार फंदा हमें छोड़कर बाकी बात बुनना है, और इसी दौरान हमें दो फंदों का एक भी करना है। तो एक दो तीन, अब हम दो फंदों का एक करना है, हमें यहाँ चार फंदा छोड़ना है। एक यहाँ हम बुन लेते हैं, फिर दो का हम इस जगह पर एक कर लिए। अब यहीं से हमें वापस हो जाना है। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा, हमें टोटल 13 जाली बनाना है। ये इस बार हमारा बना 10 बन गया था, तो 11 जाली हो गया, 12 13, यानी कि दो जाली हमें और बनाना है। ये हो गया। अब हम सीधा तरफ आते हैं तो फिर हम बुनते हुए यहाँ तक आते हैं। ये हमारा 12वां जाली जाएगा।
ये हो गया 12वां जाली। दो जाली बन गया यहाँ। अब हम ये चार छोड़कर फिर ये चार छोड़ देंगे हम इस बार, और यहाँ दो का एक हम कर देंगे। तो हमें बुनना है पांच, पांच फंदे पहले हम बुन लेते हैं। अब हम ये दो दो चार, अब ये दो फंदों का हम एक कर देंगे। यहीं से फिर हमें वापस हो जाना है और उल्टा, पूरा उल्टा बुनना है। तो ये हमारा हो गया 12वां जाली हो गया। अब एक जाली और हम इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि फिर हम यहाँ से बुन कर आएंगे, जब यहाँ आएंगे हम जाली बनाएंगे यहाँ पर, और इस बार हमें दो दो चार यहाँ से हमें रिटर्न हो जाना पड़ेगा ये दोनों को। या आप यहाँ पर नहीं भी अगर फंदे कम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पास है यहाँ पर, इसलिए। तो ये हम कर लेते हैं, उल्टा बुन कर आएंगे, फिर इसे हम चार एक बार और फिर हम इसी तरह बुनेंगे, ठीक है। ये उल्टा तरफ कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट जाली बनेगा। 13 जाली हम बनाए हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आप ब्लाउज बना रही हैं। अगर आपको इसमें नाप में अगर कुछ लग रहा है कि हम कैसे यहाँ नापें, तो सबसे पहले हम यहाँ बताएं नापने के लिए, उसके बाद आप इस चीज़ को नाप लें। ये जितना दूरी इसका है उतना ही आप जाली बनाएं। ये इसका मान लिया जाए कि और बड़ा हमें ब्लाउज बनाना है, तो स्वाभाविक है कि 13 जाली नहीं होगा, उससे कुछ ज़्यादा होगा। अगर जाली ज़्यादा होगा तो फिर ये चीज़ भी ज़्यादा होगा इस तरफ, इसलिए हम जाली को ज़्यादा बनाएंगे। तो आप वो ब्लाउज से नाप लें, नाप के द्वारा ही बनाएं आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमारा 13वां जाली जा रहा है। यानी कि ये लास्ट है। अब हमें जाली और नहीं बनाना है। देखिए, यहाँ हम लास्ट जाली बना रहे हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे, दो 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 चार, यहाँ से फिर हम वापस हो जाएंगे, उल्टा पूरा बुन लेंगे। और जब उल्टा पूरा इधर से बुन लेंगे तो फिर हम पूरा यानी टोटल यहाँ तक बुन लेंगे इस बार, ठीक है। टोटल हम बुन लेंगे, इसके बाद फिर हम चार लाइन बिल्कुल प्लेन बीनेंगे, ना कहीं घटाना है ना कहीं बढ़ाना है, चार लाइन हम उसके बाद बिल्कुल प्लेन बीन लेंगे। अब देखिए, अब ये इस तरह से हम बिन चुके हैं। यहाँ पर हम चार घटाए थे, फिर यहाँ चार, फिर यहाँ चार, इसके बाद हम टोटल को एक बार बिन लिए। एक बार बिनने के बाद फिर चार सिलाई हम प्लेन बिन लिए हैं। यहाँ आप देख सकती हैं, यहाँ आप गिन भी सकती हैं अगर चाहेंगी तो, यहीं से आप पकड़ लेंगी। तो इतना हो जाने के बाद में अब हमें कुछ नहीं करना है। ये बीच का जो आप देख रहे हैं चोटी, ये बीच का चोटी, यहाँ पर हमें तीन फंदों का एक करना है, तीन फंदों का एक करना है। इधर हमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, और इधर से दो फंदों का एक करना है। इस तरह हमें चार बार घटाना है, ठीक है। हम एक बार आपको बताते हैं किस तरह से घटता है। यहाँ हम दो का एक कर देंगे, ये इस साइड का है, ये चीज़ इस साइड का है। दो का एक कर दिए। अब हम बुनते हुए ठीक बीचों बीच में जाएंगे। जैसा हम बुन रहे हैं इस तरह हमें चार बार बुनना है, यानी
उल्टा हम नहीं गिन रहे हैं, सिर्फ सीधा गिन कर बता रहे हैं कि चार बार बुनना है। अगर आप उल्टा भी गिनेंगी तो 8 बार हो जाएगा। इधर से हम एक कम कर लिए और यहाँ से ये जो चोटी चला जा रहा था जाली के बीचों बीच से, उसी चोटी को हम बीच में रखे हैं और एक फंदा उतारेंगे, इसे बीच वाला को उतारेंगे और इसे पीछे करेंगे, बीच वाला को हम आगे करेंगे इस तरह से, और तीन फंदों का एक करेंगे। ये तीन फंदों का हम एक करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं करना है। अब हम फिर पूरा यहाँ तक प्लेन बुन देंगे, फिर उल्टा तरफ से आएंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ सीधा तरफ से आएंगे तो दो का एक करेंगे, तीन का एक करेंगे, फिर इधर बुन लेंगे, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर दो का एक, तीन का एक करेंगे। इस तरह से चार बार हमें तीन का एक कर लेना है। चार बार तीन का एक कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए इस तरह से हम चार बार घटा चुके। चार बार घटाने के बाद में अब हम यहाँ पर हमें गला पर घटाना है। गले की घटाई हम करेंगे इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर हम 5 3 2 2 करेंगे, जब तक कि ये बीच का फंदा पास ना आ जाए तब तक हम, जैसे कि देखिए पहला बार में घटाएंगे 5, दूसरा में 3, चौथा में 2 और फिर 2, ठीक है। और इसे हम बीच में हम सिर्फ एक बार घटाएंगे, इधर का फंदा लेके और बीच का फंदा लेके गिराएंगे, और इधर हम अब गिराना बंद कर देंगे इधर से, ठीक है। और इधर से हम दो दो फंदे को गिराएंगे, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम गले में 5 घटाते हैं, ये पलट लिए हम। पलटने के बाद अब हम गले की घटाई कर रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। हम 5 3 2 1 घटाएंगे, ठीक है। तो 5 3 2 2 2 इस तरह से हमें घटाना है, तो 5 हो गया। अब हम इसे बुनेंगे, कहाँ तक बुनेंगे, जहाँ तक चोटी ना चलाए। जब चोटी चलाएगा तो हमें फिर बुनना, देखिए यहाँ पर चोटी है, यानी कि हम और 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 4 बुनने के बाद, अच्छा हमें इसे सीधे तरफ से हम घटाएंगे, इसलिए हम इसे पूरा प्लेन यहाँ तक बुनते हैं, क्योंकि हम उसे सीधा जब आएंगे उस वक्त घटाएंगे। अब हमें इधर साइड से 2 2 घटाना है, संख्या हमें बढ़ा देना है। तो साइड से घटाने का तरीका इस तरह से भी है, जैसे हम 3 फंदे को छोड़ दिए, ठीक है, 3 को हम छोड़ दिए, 1 को हम इस सिलाई पर उतार लेते हैं और जो 2 फंदा बचा हुआ है पीछे वाला फंदा को हम आगे की ओर कर लेंगे, तो ये एक फंदा बंद हो गया। अब जो हम इसमें फंदे उतारे थे उसे हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है, बिना बुने हुए है ये, और फिर इसे भी हम इस तरह से गिरा देते हैं। तो ये 2 फंदा गिर गया हमारा, अब ये 1 जो बचा इसे हम बुन लेंगे। तो हम इधर से 2 नहीं गिराएंगे, इधर से अगर हमें उल्टा तरफ से आसानी हो रहा है तो हम उल्टा तरफ से करेंगे, ठीक है। तो अब सीधा तरफ से हम चूँकि गिरा चुके हैं 2 फंदा, तो सीधा तरफ से हम बुन देंगे। देखिए सीधा तरफ से हम उसी तरह बुनेंगे। इसके बाद अब हमें बीच का घटाई करना है, जो बीच में हम घटा रहे थे 3 का 1, अब हमें 2 का 1 करना है, क्योंकि उधर हम गला घटा रहे हैं, उधर हमारे पास उतना फंदा नहीं है। ये बीच का है चोटी और 2 हम बुन लेते हैं, 1 2। अब देखिए अब हम पिछले बार कर रहे थे 3 का 1, तो हमें इधर चोटी के इस तरफ वाला फंदा को छोड़ देना है और चोटी के इधर और चोटी 2 फंदा को हमें इस तरह से लेकर 2 का 1 कर देना है, बस। अब हमें पूरा प्लेन बुन देना है। इसी तरह हमें हर बार करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमें हर बार इसी तरह करते जाना है जब तक कि लास्ट ना हो जाए। अब ये जो 3 अब यहाँ हम गिरा देंगे, 1 2
और तीन, गले का तीन फंदा हो गया, पाँच तीन हो गया गले में। अब दो दो हमें घटाना है, तो अभी उल्टा में तो हमें पूरा उल्टा बुनना है, सिर्फ लास्ट का दो फंदों को हमें गिरा देना है। देखिए अब लास्ट का हम तीन फंदे को नहीं बुने, एक फंदा को इस सिलाई पर उतार लिए और पीछे से हम इस तरह से आगे की ओर लाकर गिरा दिए, फिर इस फंदा को हम इस पर कर लिए और इसे भी हम उसी तरह गिरा दिए और हम इसे बुन दिए। आपको प्रत्येक बार जब तक कि बुनाई लास्ट ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह गिराते रहना है इस तरफ से, और बीच का भी आपको उसी तरह से गिराते रहना है। अब हम बीच में आ गए, तो ये दो का हम फिर एक कर लेंगे इस तरह से, दो का एक हो गया। अब हम फिर गले में पांच और तीन घटाए हैं, तो अभी हमें दो घटाना है गले पर, ये हो गया एक और ये हो गया दो। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और पूरा बुन लेंगे, लास्ट में हमें दो उसी तरह से घटा देना है। सॉरी, यहाँ पर हमें तीन फंदे को नहीं बुनना है, एक को उतार लेना है, एक को इस तरह आगे की ओर गिरा देना है, दूसरे को सिलाई पर लेना है और पीछे वाला को आगे गिरा देना है और जो बचा उसे बुन देंगे। तो इस तरह से देखिए घटना शुरू हो गया, ये गोलाई का शेप ले लेगा आपका। अब हम फिर आगे बुनेंगे, इसी तरह हमें बुनते चले जाना है। अभी हम फिर दो यहाँ पर कम करेंगे एक बार और, इसके बाद हम यहाँ गले का घटाई बंद कर देंगे, ठीक है। ये दो का एक करेंगे, अब हम एक बार और गले की घटाई करेंगे, ये एक और ये एक, दो गिरा दिए। अब हम पूरा बुन लेंगे, ये हो गया। अब हम गले पर नहीं घटाएंगे, अगर आप घटाना चाहती हैं तो मात्र एक घटा सकती हैं गले पर, क्योंकि ये बीच का जो है इसके बाद एक फंदा हमें बचाना है, इसलिए मात्र हम एक घटा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इधर हम जो घटा रहे हैं घटाते चले जाएंगे, इधर घटा रहे हैं सो हम घटाते चले जाएंगे। जैसा कि हम बीच में दो का एक करेंगे और अब हमारे पास दो फंदा बचा, बुन दिए इधर। अब हम लास्ट है ये दो का एक, हम इस तरह से गिरा देते हैं। अब हम पूरा बुन लेंगे, यानी जो इधर घटाना है वो तो हम घटाएंगे ही, उसे तो हमें छोड़ना नहीं है। अब हम फिर बुनेंगे, देखिए अब यहाँ पर दो का एक कर लेंगे और ये जो एक बचा है इसे हम इसी तरह बुन देंगे लास्ट तक, फिर उल्टा बुनेंगे। इस तरह से
अब हमारे पास फंदे बहुत कम हो गए। दो तीन चार, दो का एक करेंगे पाँच और एक छः, छः फंदे हमारे पास हैं। अब उल्टा में हम पूरा उल्टा बुनेंगे, यानी एक दो तीन, तीन बुनेंगे। अब हमें फिर यहाँ भी इसी तरह घटाना है और एक इसे हम बुन लेंगे। अब देखिए अब लास्ट है, अब इसे हमें ये हम उतार लिए और अब हम दो का एक कर लिए, ये मेरे पास एक आ गया, तो इसे हम नहीं गिराएंगे। देखिए दो का एक करने के बाद फंदा इधर कर लिए, अब हम इसे इस तरह से गिरा दिए, फिर इसे हम यहाँ लेकर इसे भी हम इस तरह से गिरा दिए। अब ये जो बचा है इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से लेकर बंद कर देंगे और धागे को यहाँ पर हम तोड़ देंगे, यानी धागे को हम यहाँ कट कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। देखिए ये गले की गोलाई हो गई और ये इधर का हो गया, यानी कि यहाँ का हो गया और ये गले का गोलाई हो गया और ये चीज़ यहाँ हो गया और ये आपका यहाँ बैठेगा, इस तरह से बैठेगा। अब हम हमारे पास में जितना भी पार्ट्स है, यानी सॉरी जितना भी हमारे पास में इसका पीस बचा हुआ है, ये जो हम बुने सो, ये बुने, ये बुने, सबों को हम मिलाकर सरिया कर यानी पूरा बढ़िया से सजा लेंगे। सबसे पहले हम, अब जैसे कि ये है यहाँ का, हम सजा लेंगे, यहाँ सजा लेंगे और हम आपस में इसे सिल देंगे। ठीक है, इसे हम सिर्फ ऊपर से सिले हुए हैं, जैसे कि ये जो है इसे हम ऊपर से सिले हुए हैं, ताकि ये जो हम बॉर्डर उठाए हुए हैं, बॉर्डर पर यहाँ स्टार्टिंग में जो फंदा उठाए हुए हैं वो डिज़ाइन हमें अच्छा लगा, इसलिए हम ऊपर से यहाँ पर सिलाई कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से हम सिलाई कर दिए हैं। बाकी बात सारा सिलाई उसी तरह से होगा और ये पूरा सिल लेने के बाद में ये हम पूरा सिल लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक इसे यहाँ ऐसे सिलेंगे और इसका साइड का जो है साइड का जो है इसका यहाँ ये भी हम यहाँ ऐसे ऐसे सिल लेंगे पूरा। सिलने के बाद में ये जो बॉर्डर है ये यहाँ बॉर्डर इसे हम बुन लेंगे, बुन करके यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, मिलाने के बाद साइड में हम इसे भी सिल लेंगे। तो हम पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, इस भाग को भी और इस भाग को भी सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतना सिल लेने के बाद में फिर हम आपको बता दें कि ये बॉर्डर हम ऊपर से लगाए हुए हैं बुनकर, जिसमें कि 110 फंदे हम लिए हुए हैं। सिलाई पर 110 फंदे लेने के बाद में ये एक दो तीन चार, चार लाइन हम बॉर्डर का बुने हुए हैं, यानी कि आठ लाइन। चार एक बार तो हम उठाएं फंदे को सिलाई पर, फिर आठ लाइन हम बॉर्डर का बुने और नौवां लाइन में हम बॉर्डर को बंद कर दिए हैं। उसके बाद इसे भी हम ऊपर से यहाँ सिल चुके हैं। ठीक है, तो इतना हम पहले कर लेते, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे की तरफ गले में कितना आपको बॉर्डर, कितना आपको फंदे देकर इसका बॉर्डर बनाना है। सारे भाग को सिल लेने के बाद में ये देखिए ये हम सिल चुके हैं, इस साइड भी सिल चुके हैं। इसके बाद ये बॉर्डर इतना यहाँ पर हम जो छोड़े हुए थे इसे हम ऊपर तक बिन चुके हैं। बॉर्डर बिनने के बाद ऊपर से फिर ये बॉर्डर बनाकर हम लगाए हुए हैं। तो ठीक उसी तरह देखिए ये बॉर्डर भी बिने हुए हैं, ये बॉर्डर हम बिन लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे, मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए सिल देंगे, तो ये आपका बटन पट्टी यहाँ पर का तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद फिर देखिए ये आगे पल्ला में जो गले पर हम बॉर्डर दिए हुए हैं ये 60 फंदे का है, ये बॉर्डर 60 फंदे का है, इसे हम बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, यानी कि ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको ये पांच लाइनिंग हम देने के बाद में जितना पीछे पल्ला में जो हम बॉर्डर जितना चौड़ा दिए हुए हैं उतना ही चौड़ा हम आगे पल्ला में भी बॉर्डर देंगे। देने के बाद में इसे हम इस तरह से मिलाकर यहाँ पर से इस तरह से मिलाकर हम सिल देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह गले का भी बॉर्डर हो गया। अब हम बाँह में
ये ब्लाउज जो डाले हुए हैं, देखिए इसमें जो बाँह हम डाले हुए हैं, तो बाँह में हमें उसी तरह से डालना है। बाँह में सिर्फ हम 110 फंदे लेकर बॉर्डर बनाएंगे, इसी तरह का, ये जो जैसा हम बॉर्डर बनाए हुए हैं इसी तरह का 110 फंदे लेकर बॉर्डर बनाएंगे। बनाने के बाद उसे भी हम इस तरह से सिल देंगे, मिलाते हुए इस तरह से हम सिल देंगे दोनों बाँह में, तो आपका ये ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लाउज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।